జమ్మూలో వరద పరిస్థితులపై సమీక్ష నిర్వహించారు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మహమ్మద్ ముఫ్తీ. శ్రీనగర్లో అధికారులతో సమావేశమైన ఆయన తాజా పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపడుతోందని చెప్పారు జమ్మూ సీఎం. ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దన్న ఆయన వరదల్లో నష్టపోయిన వారి కుటుంబాలను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. मैसेज सबसे ज्यादा यही है कि जिन लोगों को सैलाब में नुकसान हुआ है, जिन लोगों का इंश्योरेंस था हमारे शॉप कीपर्स उनका मिला, जो नॉन इंश्योर्ड थे उनके लिए हमने स्लैब रखा है, जो हायर लेवल के हैं 10 लाख उनके है, 5 लाख है, फिर पेटी है, उनको हम कंपनसेट करेंगे. We will try to compensate them. कितना कर सकेंगे we will do it. आज हमने उनको, मेरे ख्याल में सिचुएशन खुदा के फजल से ठीक हो जाएगी, मेरे उम्मीद है, सीधे आया हूँ. तो इसलिए यू मस्ट बी अश्योर्ड, यकीन करना चाहिए था, हम बहुत इसको एक मौका समझ के आप सब लोगों का ठीक कर रहे. जम्मू काश्मीर वरदल्लो निराश्रयुलैन वारिनि रक्षिस्तामन्नारु विपत्तु निर्वहण शाख सहाय मंत्री माजिद్. वरदल्लो चिक्कुकुन्न वारिनि सुरक्षित प्रांतालकु तरलिस्तुन्नामनि अन्नारु. इटु वरदलपै स्पंदिंचारु एनडीआरएफ डायरेक्टर जनरल ओपी सिंग్. वरद प्रभावित प्रांतालो सहायक चर्यलु स्पीड अप चेसामनि अन्नारु. एलांटि प्राण नष्टं लेकुंडा चर्यलु तीसुकुन्नामनि अन्नारु. तो इसमें रेड अलर्ट होता है 18 पॉइंट, तो डेंजर पॉइंट है इसमें 21 पॉइंट. तो इसका मतलब है कि डेंजर पॉइंट से एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है, उससे आगे, इसका मतलब कि रेड अलर्ट हो गया है, रेड अलर्ट हो गया है. इसी तरीके से रामवंशी बाग, और आज हम अपनी दो टीम्स एनडीआरएफ की प्रीपोजिशन कर रहे हैं श्रीनगर में. उनको हम हवाई जहाज से एयरफोर्स की के एयरक्राफ्ट से उनको हम भटिंडा से भेज रहे हैं, और हम 4 एडिशनल टीम्स को भी स्टैंड बाई में रखे हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनको हम तुरंत भेज सकें. लेकिन अभी कोई घबराने की बात नहीं है, और कुछ जगहों पे वाटर लॉगिंग हुई है, जैसे लाल चौक है, रावलपुरा है, इन सब जगहों पे वाटर लॉगिंग हुई है, लेकिन फ्लडिंग की सिचुएशन अभी नहीं हुई है, और अगर जरूरत हुई तो लोगों को इवैक्यूएट करने में एनडीआरएफ